रायबरेली लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मार दी। बस की टक्कर से कार सवार महिला व मासूम बच्चों सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुला चौराहे का है, जहां गणेश निवासी परश देवपुर अपने परिवार के साथ कार से लखनऊ से अपने घर जा रहे थे। सभी त्रिपुला चौराहे के पास रोडवेज बस में उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी घरेलू लोगों को निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अरे कोई बात नहीं, कोई भैया मोल लो, ले आ रहे ना। डॉक्टर एस के सिंह, एमओ, जिला अस्पताल रायबरेली। एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक त्रिपुला चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ है, एक बोलेरो बस से हुआ है, प्लस उसमें एक कार थी जिसमें कार सवार करीब 6 लोग थे, जो कि वो लोग घायल हुए हैं। उनको पुलिस द्वारा लाया गया, जिसमें से एक का सबसे ज़्यादा सीरियस केस है, जिसमें हेड इंजरी हुआ है, उसको एडमिट कर दिया गया। बाकी जो एक छोटा सा बच्चा भी है, करीब 6 या 7 साल का बच्चा भी है, और बाकी 2 लेडीज़ हैं 70-80 साल की हैं, जिनको चोटें आई हैं। बाकी सभी को एडमिट करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।